ये आरामदायक पोज में भी तो कैसे हो रहा था। अच्छा ये रोड बननी है जो हमारे गांव के ये बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। हाय बोल दो। आन हो रहे थे वो चूहे ने खा दिए सब और हम मडुआ काट रहे हैं। ये मडुआ सब पीला पट्ट हो गया है। ये है तिल का पौधा, ये इस तरह से होता है और ये जो तिल है तिल के फूल पहले व्हाइट कलर के होते हैं। और मडुआ की रोटी बनाएंगे चूल्हे में। आ जाओ भाई जितने लोग हैं बाहर के हमारे जैसे मोटे लाल हो जाओगे। आज फिर से बारिश आ गई है सुबह सुबह। कल बारिश थी सुबह तो कल शाम को अच्छा हो गया था मौसम, तो हमें लग रहा था कि मौसम ठीक हो जाएगा, हमें धान वगैरह भी काटे। कोई ऐसा मौसम नहीं था कि मतलब आज बारिश आएगी। लेकिन अभी मैं सो के उठी हूँ कि तुम रात को लेट भी सोई हूँ, पता नहीं कल रात को मेरे क्या ऐसा सौ चढ़ा। मैं रात भर सुबह के 4 बजे तक मैं पाकिस्तानी सीरियल देख रही थी। एक नींद भी पूरी नहीं हो पाई, आँखों में स्वेलिंग आप लोग देख सकते हो। और जैसे सुबह उठी तो मैंने देखा बाहर से आवाज़ आ रही है बारिश की बूंदों की। तो मम्मी ने कहा, मैंने पूछा मम्मी बारिश हुई? मैंने कहा। और बाहर इतना सुंदर मौसम हो गया है फिर से, आहा मैं क्या बताऊं। लेकिन क्या है ना कि देखो बारिश तो अच्छी लगती है नो डाउट, लेकिन जब रोज़ बारिश होना तो दिक्कत क्या होती है कि कपड़े नहीं सूख पाते हैं। ये जो पीक सीजन है यहाँ पर काम बहुत होता है, तो लोगों का जो अनाज है जो काट के लाए हुए हैं वो सब खराब हो रहा है, काला पड़ रहा है क्योंकि अंदर जो धूप नहीं लगती। तो ऑब्वियस सी बात है कि अनाज में फंगस लग जाता है और ख़राब हो जाता है। और मम्मी यहाँ पर वो बना रही है, नाश्ता बना रही है। नाश्ते के लिए है आज क्या बना रहे हो? पूरी। क्या बात है, चावल के आटे की पूरी है और साथ में ही ओहो रस्से वाली आलू की सब्जी और चटनी और साथ में चाय। मज़ा आ गया। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे वो त्योहार के दिन बनता है ना खाना, ऐसा ही लग रहा है। कहाँ मैं सोच रही थी कि थोड़ा बारिश कम होगी तो मम्मी को लेके कुछ थोड़े बहुत काम थे घर के वो कर लेते, और यहाँ काम होना छोड़ो। यहीं से दिखा देती हूँ कौन बाहर जाए, ठंडा इतना हो रहा है क्योंकि यहाँ काम होना छोड़ो। ऊपर हालत देख लो आप लोग, पूरे जो पहाड़ी है वो ढक चुकी हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और देखो मैंने क्या कर रखा है, कंबल ओढ़ा हुआ है और ये स्वेटर पहन लिया है मम्मी की स्वेटर, क्योंकि मैं तो स्वेटर वगैरह लेके आई नहीं थी। कंबल ओढ़ा हुआ है, मम्मी भी उधर जाके सो गई है, तुषार भी सो गया है। सुबह के 9:30 बजने और सब सो चुके हैं और ताई जी भी सो चुकी है। हाँ वो बोला कि मैंने सुबह वो फ़ोन चला रहा है, ओके तो वो फ़ोन चला रहा है। ताई जी वगैरह सब सो चुके हैं क्योंकि करेंगे तो करें क्या। मैं सोची थी कि थोड़ा मंदिर वगैरह होके आते देख कर आते, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है और ज़्यादा मतलब उसमें वो दिखाई नहीं आता। खैर वीडियो में तो पता ही नहीं चलता बारिश की तेज़ है या कम है, लेकिन बहुत तेज़ हो गई। मतलब सुबह से तो बहुत तेज़ हो गई बारिश और इस चक्कर में ठंडा इतना बढ़ गया है लिटरली। क्योंकि मेरे यहाँ पर दोनों दरवाजे खुले हैं, खिड़की खुली, तो मेरे तो कब कभी छूट रही, तो मैं तो दरवाज़ा बंद करके अब जा रही हूँ सोने के लिए। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी दिन में लंच करने के लिए। मतलब 8 बजे मैं नहीं 8:30 बजे मैं सो के उठी हूँ और 9:30 बजे फिर सोने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं बचा है दोस्तों। क्योंकि बारिश है गांव में, गांव में ऐसे होता है जब भी बारिश होती है तो लोग सोने के लिए चले आते हैं या अंदर आके बैठ जाते हैं क्योंकि कुछ और काम होता नहीं है। जरा सामने आपको फोकस करके दिखाती हूँ। अरे तो उड़ गया। मम्मी कह रही है ये आरामदायक पोज में भी तो कैसे हो रहा है। देखो अभी तो कि पैर ऊपर को करके ऐसा सो रहा है। मम्मी से कहा ये गिरेगा ही। मम्मी के एक हाथ से टहनी पकड़ के सो रखा है यार। इसका कब से मैं देख रही हूँ इसके सोने के पोज देखते हैं। कभी टांग नीचे को लटका के कभी टांग ऊपर को कर रखी है और अभी जैसे ही मैंने कैमरा खोला वैसे ही उठ रखा है। तब से मैं इसको यही देख रही हूँ किचन से खड़े होके। हेलो ओए ओए यार देख ये देख ये देख ओए क्या देख रहा है। भाग गया। ये इसका दूसरा पोज, ये गया पैर पीछे और ये रही आय हाय। नींद हो तो ऐसी हो दोस्तों। देखो क्या मजे की जिंदगी है, कैसे हो रहा है, मस्त हो गए। देखो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अभी थोड़ा सा चकोटिया कुछ मार्केटिंग वगैरह करनी है। और पीछे से आ चुका है ऑर्डर की सब्जी ले आना। सब्जी बात कुछ नहीं है, अभी थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है। तो पहले हमारा ये प्लान था। तुम क्यों नहीं चल रहे हो? फिर पूरी कहानी गा दी, ऊपर से ये लाओ वो लाओ, अपना आ नहीं रही। तो पहले ये प्लान था कि मम्मी और मैं और तुषार हम पहले चकोटिया जाएंगे, सामान लाएंगे, उसके बाद फिर ताई जी के घर जाएंगे। बट अभी वो प्लान जो है कैंसिल हो गया है क्योंकि मम्मी कह रही है कि कल को जाएंगे अगर टाइम मिलेगा तो। और मम्मी को आज थोड़ा सा खेत वेत का भी काम करना है। तो मैं, चारू और हेमंत के जो नाना जी हैं, जो आपने कई बार ब्लॉग में देखे भी होंगे, हम 4 लोग जा रहे हैं चकोटिया की तरफ को। दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो चीज है, ये जो पंप यहाँ पर तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। हाँ ताऊ जी, रेन्यूएबल। अच्छा, इसका क्या यूज है? पानी इससे जाएगा ऊपर 2-3-4 गाँव में। मतलब जो हमारे घर में पानी अभी तक आया था नलों से, वो किसी और उससे आ रहा था, किसी और स्रोत से आ रहा था। हाँ, अभी रामगढ़ का पानी जाएगा। अच्छा, हर घर नल हर घर जल, मोदी जी की जो योजना थी वो साकार हो रही है। अच्छा, रामगढ़ नदी में रेन्यूएबल बन रहा है। अच्छा, उसका पानी जाएगा 10-12-15 गाँव में। अच्छा, घरों में पानी मिलेगा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया काम। और यहाँ पर देखो लैंडस्लाइड भी हो रही, क्या रास्ता बन रहा है। अच्छा, ये रोड बननी है जो हमारे गांव के। अच्छा, तो जो हमारे घर से ऊपर जो गांव पड़ता है झुड़ूंगा, वहाँ के लिए रोड तैयार की आ रही है। अभी सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बहुत सारे जगह पर रोड करती है, एक दूसरे से ससुराल भी है। दो जितने भी दूर दराज के गांव थे जहां तक कि अभी तक रोड नहीं पहुंच पा रही थी, वहां सब जगह के लिए इस तरह से रोड कटिंग सरकारी योजना के तहत। और आप लोगों को भैंस भी दिखा देते हैं, किसी की भैंस भाग गई है यहाँ पे, उसका मालिक भी आ रहा है पीछे से दौड़ता हुआ। अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों चकोटिया में, यहाँ पर कैंटीन के पास। ये जो चकोटिया का पीछे का इलाका है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मार्केट का इलाका है वहाँ से हम आ चुके हैं। जो कैंटीन है थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा खुला खुला दिखाई दे रहा होगा। ये जो मार्केट है ये गढ़वाल साइड के और कुमाऊँ साइड के दोनों ही लोग यहाँ पर आके अपने शॉपिंग करते हैं। बीच में सेंटर में पड़ता है ये, हमारे यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर दूर होगा। तो जो मेन लोग शॉपिंग करने आते हैं, जो नियर बाई जगह है, वो यही जगह, इसका नाम चकोटिया है। और पीछे तो मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये जगह खाली है तो यहीं पर इसलिए कैंटीन वैंटीन का काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। और अभी यहाँ बच्चे वगैरह घूम रहे हैं। यहाँ की ज़मीन में देखो आप कितने बड़े हैं, यहाँ पर जो है अरबी के पत्ते और धान की खेती हो रही है। थोड़ा सा एडवांस इलाका है, यहाँ पर घर वगैरह भी आपको अच्छे दिखाई देंगे। ये सब जा रहे हैं घूमने के लिए, पता नहीं कहाँ को जा रहे हैं, उधर की साइड को। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन अभी मैं मार्केट से दूर आ गया हूँ। मार्केट में क्या होता है कि गाड़ी खड़ी करने की यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है, इस चक्कर में हम लोग मार्केट में गाड़ी नहीं लगाते हैं, वरना मैं आप लोगों को मार्केट के भी एक टूर कराती। लेकिन परेशानी है बहुत सारी वहाँ पर, बार बार वहाँ पर पुलिस वाले के टोकते रहते हैं, गाड़ी इधर करो गाड़ी उधर करो। तो मैं सोचा आप लोगों को इतना इलाका दिखा देती हूँ। यहाँ से पीछे की साइड को थोड़ा दूर जाके गढ़वाल लग जाता है, गढ़वाल का जो सीमा है वो चालू आती है। और ये जो है ये सारा एरिया कुमाऊँ एरिया में आता है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर। आप लोगों ने एक बार देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पर तड़क ताल करके जगह थी जहाँ हम लोग गए हुए थे, वो इन्हीं पहाड़ियों के पीछे है। बहुत सुंदर जगह है, आप लोगों को भी आना चाहिए। पीसफुल है, मतलब अगर आप लोग प्रकृति का आनंद लेना चाहते हो, जैसे नैनीताल है वैसे ही, बट वहाँ घर वगैरह कुछ नहीं है, बस खेत हैं। और ये बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, हाय बोल दो। हाँ शर्मा रहे। बंदरों ने कहीं पर भी नहीं छोड़ा हुआ है। घर में सुबह से बंदर नाच ही रहे थे, और यहाँ देखो आप बिल्कुल रोड के बगल में बंदर घूम रहे हैं। कुत्ता बेचारा, कुत्ता कब से मैं देख रही हूँ उसको, छोटा सा पिल्ला है कुत्ते का, बार बार उनको भगाने के लिए आ रहा है, लेकिन वो उसको यहाँ से डरा धमका के इधर भेज दे रहे हैं। तो बंदरों का आतंक जो है हमारी गेवाड़ा घाटी में पूरा है। मतलब आपको हर जगह पर जहाँ पर भी आप देखोगे ऐसे बंदर आपको दिखाई देंगे। कितना बड़ा झुंड है, देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। बहुत सारे बंदर इसमें झूल रहे हैं। ये एक्चुअली महल का पेड़ है, इसमें महल होते हैं। ये महल जो होता है ये एक पहाड़ी फ्रूट होता है, गोल गोल दाने ये होते हैं, और इसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा, मतलब मोस्टली ऐसे मीठा होता है कि हल्का सा खट्टास उसमें होती है। तो अभी वो महल जो है पक चुके हैं, इसीलिए सारे बंदर है ना, देखो उधर भी और इस पेड़ में पूरे भरे पड़े हुए हैं। ये सारे बंदर जो है यहाँ पर महल के जो फल हैं वो खाने में लगे हुए हैं। चकोटिया से वापस आने के बाद गाइस मैं तो आ गई हूँ खेतों मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया हुआ था कि मैं शाम को खेत में जाऊँगी मडवा काटने के लिए। तो मैंने सोचा मम्मी के साथ आ जाती हूँ। तुषार तो चले गया मैं दोस्तों के साथ, और मैं आ गई यहाँ मम्मी के साथ। मम्मी यहाँ खेत में है, और लकीली मुझे आज वो चाची मिल गई है जो आपने हमेशा मेरे ब्लॉग में बोलते हुए देखी होंगी। कई लोग इनको पिंक चाची के नाम से भी जानते, क्योंकि पिंक कपड़े पहन के बहुत आई थी पिछली बार ब्लॉग में। चाची हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम मडवा काट रहे हैं, आप भी आ जाओ मडवा काटने के लिए। और मडवे की रोटी भी खा लो, मडवे की रोटी खाओ। चावल धान हो रहे थे वो चूहे ने खा दिए सब हैं, और हम मडवा काट रहे हैं। ये मडवा सब पीला पट्टा हो गया है। मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि मडवा काटते कैसे है, मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये मडवे के फूल होते हैं जो ब्राउन हो आते हैं, तो उसके बाद उन्हें काट लिया जाता है। चाची ने अपने यहाँ पर एक डोर में रस्सी बांध के एक कट्टा लगाया हुआ, ताकि उसमें रख सके सारे जो मडवे के फूल हैं उनको। तो जब ये ब्राउन होता है, आप तो खैर हरा हरा निकालो चाची, पकने तो आपने दिया ही नहीं है। ये सुअर की डर से काट रहे हैं हम हरा। अच्छा, सुअर आ रहे होंगे। पकने देते। हाँ ठीक, ओहो हाँ। दिक्कत हो गई है, दिक्कत हो गई। और आज बारिश ने परेशान कर दिया, सुबह से दिन भर परेशान कर दिया। हाँ। इस समय हमको टाइम मिला, हमने कहा चलो थोड़ा काम हो जाए। हाँ सही बात है। तो ये खेत जो है ये चाची का है, यहाँ से वो चाची का नहीं है, कहीं आप ये वो सोच रहे, बड़ी पैसे वाली चाची है, घर से लेके यहाँ तक खेत है। ये चाची ने किसी के करे हुए हैं जो हैं, वो एक्चुअली उन्होंने खेत इनको दिए हुए हैं करने के लिए। और इसी के जैसे नीचे हमारा खेत आता है, जैसे मम्मी वहाँ पर मडवा निकाली, सेम काम मम्मी भी कर रही है। तो चाची को इस बार मैंने व्लॉग बन नहीं लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर आई, मैंने चाची को देखा, मैंने सोचा कि चाची आ गई है तो एक व्लॉग बनाना तो बनता ही है, क्योंकि चाची जो है बड़ा अच्छा बोलती है व्लॉग में, तो इसीलिए मैं भी चाची के पास आ गई। ब्लॉग कहाँ बोलती हूँ, काम से फुर्सत ही नहीं है हमको। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने एक यूट्यूबर देखी होगी, प्रियंका योगी तिवारी, देखी है इसने मैंने? हाँ। अरे वो तो बहुत ही वो है यार, है ना? वो भी सेम आप लोगों की तरह गांव से है, प्रधान बनी, और देखो कितना कमा रही है, कितना फेमस हो गई है। हाँ चाहो तो आप भी खो सकते हो, ये मेरा आपको सजेशन है अपनी तरफ से। खोलते हैं हम, खेती बाती छोड़ते हैं। नहीं छोड़ने की, छोड़ा तो उसने भी नहीं है, खेत तो वो भी कर रही है, घास काटती है अपने घर। मेरे को तो उसके मतलब ब्लॉग अच्छे लगते हैं, वो अपने वहाँ का सब दिखाती है, खेतों में काम करते हुए, गौशाला जाना। हाँ और घास कैसे लाते हैं, और गढ़वाली खाना हाँ, बनाना सब दिखाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि चाची का जैसे चाची जिस तरह से बोलती है, इन्हें अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए? नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कमेंट करके बताओ कि किस्मत कभी कभी अच्छी होती, क्या पता इनकी किस्मत चमक जाए, पता चला है। आप लोग चमकाओगे तो चमक जाएगी, नहीं तो क्यों नहीं चमकेगी। तो ये सब यहाँ काम चल रहा है। अभी देखो आप सारी औरतें, मोस्टली औरतें यहाँ पर अभी कोई घास काट रही है गाय भैंस के लिए, तो कोई इस तरह से मडवा काट रही, कोई धान काट रही हैं। धान तो कट चुके हैं हमारे ज़्यादा खेत तो है नहीं, एक खेत वहाँ था और एक खेत यहाँ से नीचे तक है जिसमें मम्मी ने मडवा लगाया हुआ। मैं दिखाती हूँ मम्मी का जो मडवे का खेत है। मेरी मम्मी तो व्लॉग में कम ही बोलती है, व्लॉग के बाद सब कुछ बोलती है लेकिन व्लॉग में नहीं बोलती, व्लॉग आते ही सही बोल रहे हो आप, सही बात है। वो मैडम है, हमको बोलने की आदत है। हाँ हमको बोलने की आदत है, हमने भी YouTube देख के बोलना सीख रखा है। हाँ ये बात चाची ने सही बोली कि चाची सही बोली कि तेरी मम्मी का जो मुँह है वो YouTube का मतलब कैमरा देखते ही बंद हो जाता है और हमारा कैमरा देखते ही खुल जाता है। हेमंत ने भी ये चीज़ बोला हुआ है कि जब कैमरा खुलते ही तुम लोग बोलना क्यों बंद कर देते हो। तो ये यहाँ पर हो रहा है हमारे तिल का पौधा, मैंने आपको दिखाया नहीं था उस दिन, सिर्फ मानते हुए दिखाया था। ये है तिल का पौधा, ये इस तरह से होता है। और ये जो तिल है, तिल के फूल पहले वाइट कलर के होते हैं, फिर उसमें से छोटे छोटे से कलियाँ निकलती हैं, और जब वो इस तरह का हो जाता है, और अभी तो ये कच्चा है, या जब इस तरह का होता है जैसे ब्राउन हो चुका है, तो फिर इसको जो है यहाँ से बीच में से काट के घर में सुखा दिया था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ये हेमंत के नाना नानी लोगों का खेत है और ये हमारा खेत है। इसका मतलब है कि हमारी रिश्तेदारी वर्षों से चली आ रही है, लड़कियों के साथ साथ खेत भी अगल बगल में ही है। और ये वो खेत है जहाँ से हमने तिल काट के ले गई थी, जो कि भी खाली पड़ा हुआ है, जो तिल मैंने आप लोगों को दिखाए भी हैं। और ये 3 खेतों में मम्मी ने यहाँ पर मडवा बोया हुआ है और नीचे के 2 खेतों में भट्ट बोया हुआ है। तो ये सब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। और अभी आपको मैं कल या जाड़ों में आओ, झुमकी रह बोएंगे और घी का डिब्बा खोलेंगे और 2 किलो उसमें दही रखेंगे और मडवे की रोटी बनाएंगे चूल्हे में। आ जाओ भाई, जितने लोग हैं बाहर के, हमारे जैसे मोटे लाल हो जाएंगे। हम जैसे हम हो रहे गोल गाल मटर की रोटी खा के वैसे आपको भी बनाएंगे। जिसने खाना है ना कमेंट करो। देखो हम पहाड़ी औरतें जैसे लग रही हैं। चाची कह रही जिसने खाना है भावना के चैनल पे कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, तब मैं तुम्हें। पहाड़ी औरतें जैसे लग रही है, इतने मोटे ताजे काम करने वाले जैसे। ये देखो ये कैसे मजाक उड़ा रहे हैं सब लोग का, ये देखो वहाँ से वो और यहाँ से ये। तो इसी के साथ इस आज के दिन का व्लॉग का एंड करते हैं। बहुत लंबा हो गया है व्लॉग, ज़्यादातर तो आज के व्लॉग में बंदर ही बंदर थे। आपको कल को दिखाऊंगी मैं उधर का मंदिर, अगर मम्मी चलेगी मेरे साथ। तो मेरे को सुनने में आया, मम्मी ने बोला है कि वहाँ जो मंदिर है बहुत ही अच्छा रेनोवेशन कर दिया है, हमारे मंदिर में भी बहुत कुछ काम चल रखा है। हाँ 1 करोड़ पे लगा दिया। 1 करोड़ कहाँ लगे होंगे? वहाँ लगा दिया, अच्छे लग गया करते हैं। 20 लाख और लगा दिए मैंने, लग रहा है अभी काम भी। चलो कल को देखेंगे भी जाएंगे तो, अगर वहाँ सब 10 बार तो हम गीजर ही लगे हैं। अच्छा चलो भी चाची, वो वाला मंदिर देखने चलोगे कल को? चाची कह रही होगी सोच के मैंने मैं क्या फालतू बात करती है। तो ठीक है गाइस, देखते हैं कल को जाऊंगी, जब भी जाऊंगी मम्मी तो शायद चले ना चले, वरना मैं अकेले चले आऊँगी। फिलहाल इसका व्लॉग, आज के दिन का व्लॉग का जो एंड यहीं पे कर देती हूँ, और थोड़ा मम्मी के साथ मडवा काटती हूँ मैं भी, और आप लोगों को मिलूंगी कल के व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।